नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का दोस्तों आज बात करेंगे बीएसएससी इंटर लेवल के बारे में जो कि बहुत ही बड़ी खबर देखने को मिल रहा है ठीक है आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा सारा चीज़ मैं इसे वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं सबसे पहले बात करेंगे कि बीएसएससी इंटर लेवल का जो बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है सामने देखने को जो मिल रहा है न्यूज पेपर कटिंग वगैरह में इसको हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि जो बी इंटर लेवल दो का था इसमें कब तक काउंसलिंग किया जाएगा पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट यह है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा इसमें कितना गुना बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा तीसरा पॉइंट यह है कि अगर सीटें खाली रहती हैं तो क्या यहाँ पे भरने के लिए सीट भरने के लिए दोबारा काउंसलिंग किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा इसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर जो आपका न्यूज निकल के आ रहा है कि क्या आपका वायरल हो रहा है तो आप इस वीडियो के माध्यम से यानी ऊपर देख पा रहे होंगे इसमें लिखा गया है कि बी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में आ, पहले काउंसलिंग होगा संवाददाता पटना बीएसएससी एस की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करने की कायदात तेज़ कर दी गई है इसमें कुल तेरह हजार एक सौ बीस पदों के लिए रिजल्ट जारी किया जाएगा इस संबंध में आयोग की एक आधिकारिक बैठक बहुत ही जल्द होने वाली है और 31 अगस्त से पहले इसके संबंध में जानकारी छात्रों को दे दी जाएगी छात्रों के लिए सबसे अच्छी बात यह निकल के आ रही है कि इस बार 10 फीसदी से ज़्यादा छात्रों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा ये जो इन लोग के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी खबर है लेकिन स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बुरी खबर है क्योंकि क्या है कि ढाई गुना यहाँ पर बच्चों को बुलाने यानी बुलाए जाने का बात कहा गया था कि ढाई गुना बच्चों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बुलाया जाएगा लेकिन यहाँ पर सिर्फ दस फीसदी ही बुलाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं परेशान है कि आखिर अब क्या होगा क्योंकि ढाई गुना में बहुत लड़के आ जाते हैं और एक गुना में देखा जाए तो बहुत कम ही लड़के आते हैं तो इससे क्या होता है कि अगर ज्यादा ज्यादा लड़के यहां पर बुलाया जाता तो, तो इससे मालूम यह होता कि जो जो फर्जी वाला जो घूस वगैरह दे करके यहां पर सलेक्शन लिए हैं उनका यहां पर चयन नहीं हो पाता यहां पर क्योंकि पता यहां पर चलता लेकिन अब यहां पर देखिए क्या होता है आगे क्या निकल के आ रहा है आगे देखते हैं हालांकि इस पर अंतिम निर्णय आयोग की बैठक में लिया जाएगा काउंसलिंग की प्रक्रिया 15 सितंबर के बाद शुरू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है काउंसलिंग में सभी कागजातों की जांच करने के बाद ही फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा अतः छात्रों से अपील है कि यह काउंसलिंग से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं सभी चीजें लेकर के चले देखिए तो तो इतना ये जो न्यूज है आपका सामने देखने को मिल रहा है आप इससे ये समझ पाएंगे कि क्या क्या न्यूज में देखने को मिल रहा है तो आप सब लोग जो भी अपना सुझाव देना चाहते हैं उसका दीजिएगा ठीक है अब यहाँ पे देखेंगे कि जो बी एस एस सी इंटर लेवल दो हज़ार चौदह का काउंसलिंग है कब से कब यानी किसके बाद होगा तो देखा जाए तो पंद्रह सितंबर के बाद ये आपका शुरू हो जाएगा जो आने वाला पंद्रह सितंबर है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय कितना बच्चों को यहाँ पे यानी कितना गुना यहाँ पे बच्चों को बुलाया जाएगा तो एक दशमलव एक गुना बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा यानी देखा जाए तो एक गुना मान लीजिए जो कि ढाई गुना बोला गया था लेकिन यहाँ पे एक गुना ही बोला जा रहा है और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर सीटें खाली रहती हैं तो क्या दूसरे छात्रों को बुलाया जाएगा तो जी हाँ ये सबसे अच्छी बात है कि अगर वेरिफिकेशन समय सीट खाली रहती हैं तो अगर सीट खाली रहती हैं तो दोबारा वेरिफिकेशन समय फिर से न्यूज़ निकाला जाएगा फिर से अपडेट किया जाएगा ताकि और भी लोग इस जो खाली सीट है उसमें अपना भरपाई कर पाए ठीक है इससे यही सब आपका बड़ी खबर निकल के आ रहा था तो आप सभी लोग परेशान नहीं है जो आदेश देगा बोर्ड उसी के हिसाब से सभी को चलना है ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर भी करिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना अपडेट देख पाए अगर आप सभी लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल को जुड़ जाइएगा क्योंकि इसी तरीके का अपडेट आप सभी लोग को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा मिलते हैं एक नए वीडियो में आज के लिए इतना ही जय हिंद वंदे मातरम